संपूर्ण सृष्टि साक्षी है, कोई सूर्योदय पृथ्वी पर ऐसा नहीं हुआ जिसका सूर्यास्त न हुआ हो। एक नक्षत्र 1938 में उदय होकर 2013 में अंतरिक्ष में विलीन हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, समाज सेवा की अनूठी मिसाल, 75 वर्ष के समर्पित गांधीवादी जीवन सहित वीरेश प्रताप चौधरी अब एक दृष्टांत बन गए हैं। निष्ठा, लगन, समर्पण और परिश्रम से संगठनकर्ता, अभियानकर्ता और रचनात्मक प्रवृत्तियों के संचालक के रूप में नाम लेते ही सतत क्रियाशील वीरेश प्रताप चौधरी की सदा प्रसन्न मुखाकृति सामने आ जाती है। 5 दशक का कर्मठ दौर चित्रपट की भांति आंखों के सामने घूम जाता है। राजनीति को नीति का प्रवर्तन और अनीति के निवारण का माध्यम मानने वाले वीरेश जी धर्म, समाज और व्यवसाय जिस क्षेत्र में भी गए अपने योगदान की अमिट छाप छोड़ते गए, जिसकी सुगंध देश देशांतर तक फैलने लगी। उन्होंने कर्म को उपासना माना, परिस्थिति को सेवा के अवसर में बदलने का कौशल उनमें था। मैन में कम मन मैन में गो, येट देर आर फ्यू हु लीव इनडेलिबल इम्प्रेशन अपॉन दोस दे कम इन कॉन्टेक्ट विद। वीरेश प्रताप चौधरी वॉज वन सच नोबल सोल हु हैड ड्रंक द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये अविश्वसनीय ही रहेगा कि वीरेश जी नहीं रहे, वो उन लक्षाधिक लोगों के अंतःकरण में जीवित हैं जिनके जीवन को उन्होंने निकट से प्रभावित किया। हजारों दिशाहीन बालक बालिकाओं को एक बनो, नेक बनो, योग्य बनो का नारा देकर एक निष्ठावान, सचरित, आदर्शवान नागरिक दल में परिवर्तित कर दिया। समाज के अति पिछड़े वर्गों तक पहुंचकर उनमें नई प्राण वायु का संचार किया, नई चेतना दी। निराश और निर्बल युवा पीढ़ी के एक विशाल समूह को स्काई इज द लिमिट का पाठ पढ़ाकर शिक्षा के माध्यम से ध्येय पूर्ण विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। असहाय को उबारने की करुणा और अन्याय से अकेले टक्कर लेने का साहस उनमें था। नई पीढ़ी को वीरेश जी का एक ही संदेश है, हिम्मत मत हारो, युग की चुनौती स्वीकार करो, चलते रहो, ईश्वर सफलता देंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। किसी भी क्षेत्र में कोई महान आत्मा कभी कभी ही अवतरित होती है और ईश्वर के एक ऐसे ही कृपा पात्र का जन्म आज ही के दिन 31 मई 1938 को चूड़ीवालान प्रानी दिल्ली में हुआ। पिताश्री स्वतंत्रता सेनानी देशराज चौधरी जी और माता समर्पित समाज सेवी श्रीमती चंद्रवती चौधरी की गोद में आंखें खोली, अर्थपूर्ण नामकरण हुआ वीरेश प्रताप। आरंभिक शिक्षा तो एंग्लो संस्कृत स्कूल दरियागंज दिल्ली में हुई, पर जीवन के जिस क्षेत्र में जहां भी कदम रखा, वक्ता, अधिवक्ता और संगठनकर्ता हर रूप में विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। छात्र जीवन में सुखार्थिनों कुतः विद्या, विद्यार्थिनों कुतः सुखम के सूत्र को सत्यार्थ करते हुए मेधावी छात्र के रूप में 1960-61 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और इतने सशक्त अध्यक्ष रहे कि अगले कई वर्षों तक उदीयमान छात्र नेता और भावी अध्यक्ष भी उनके वरद हस्त और सहयोग की आकांक्षा करते रहे। विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी के सर्वोत्तम वक्ता घोषित किए गए। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। टेबल टेनिस और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे। 24 फरवरी 1969 को उन्होंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला अमरोहा के प्रतिष्ठित जमींदार साहू ब्रिजपाल सरन और श्रीमती राजरानी की सुपुत्री तथा दानवीर साहू जगदीश सरन जी की दोहित्री संगीत विशारद एम.ए. श्रीवाला से विवाह तत्कालीन शीर्षस्थ आर्य विद्वानों के सानिध्य में संपन्न हुआ। श्रीवाला जी ने भी पौराणिक परंपरा और वैदिक आदर्शों का निर्वाह करते हुए दोनों कुलों की मान मर्यादा को जीवित रखा और हर विपदा में चट्टान की तरह पति को शक्ति प्रदान की और जीवन की हर धूप छाव में उनका साथ दिया। देयर इज ऑलवेज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। वीरेश जी 1962 में वकालत का पेशा अपना चुके थे।
1965 में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1972 से 1983 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के स्थायी वकील यानी स्टैंडिंग काउंसिल रहे। फरवरी 1990 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता घोषित हुए। उन्होंने वकालत के पेशे का उपयोग अधिकतर समाज सेवा के लिए किया। निर्दोष को न्याय दिलाने में उन्हें आत्मिक सुख मिलता था। भारत के प्रसिद्ध अति वरिष्ठ वयोवृद्ध वकील नानी पालखीवाला ने हाई कोर्ट में विरेश प्रताप चौधरी के विरुद्ध एक मुकदमा जीतने के बाद न्यायालय में ही बयान दिया था कि मुकदमा तो मैंने जीत लिया, पर मैं ये स्वीकार करता हूँ कि युवा एडवोकेट विरेश प्रताप चौधरी ने बहस के दौरान कई बार मेरे छक्के छुड़ा दिए थे, जिस पर न्यायाधीश ने भी सहर्ष अपनी सहमति दर्ज कराई थी। 51 वर्ष तक वकालत करते हुए न्यायपीठ और वकील समुदाय दोनों में एक सा सम्मान अर्जित किया और उनकी लेखनी एवं वाणी दोनों प्रामाणिक मानी गई। दिल्ली, मुंबई और इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों पर आपकी प्रतिभा की छाप अंकित है। उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में सरकार से टक्कर लेकर चार राज्यों के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली इंडियन ओडिसी ट्रेन शुरू करवाई। ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित शाहबेरी प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय वो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से आपकी कानूनी प्रतिभा की धाक सारे देश में जम गई। भारत के अनेक पूर्व प्रधान न्यायाधीशों से विरेश जी के आत्मीय संबंध रहे। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, होनहार बिरवान के हो चीखने पात जन्मजात नेता थे विरेश जी। बाल्यकाल से ही गहन राजनीतिक चेतना का परिचय दिया। कांग्रेस के युवक आंदोलन में अग्रणी रहे। भारतीय युवक कांग्रेस के महासचिव बने। 1969 में कांग्रेस का विभाजन होने पर संगठन कांग्रेस ओ से संबद्ध रहे। 1975 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में तो सक्रिय भूमिका निभाई। आपातकाल की घोषणा के पश्चात वृद्ध पिताश्री प्रातः स्मरणीय देशराज चौधरी को देश के तत्कालीन अन्य शीर्षस्थ नेताओं के साथ रुग्णावस्था में ही कारागार में डाल दिया गया। उस समय विरेश जी सहधर्मिणी श्री बालाजी सहित कनाडा, अमेरिका और यूरोप की यात्रा पर गए हुए थे। अंतिम दो देशों का भ्रमण शेष था। स्वदेश में इमरजेंसी का समाचार मिलते ही आगे की यात्रा रद्द करके स्थिति से विचलित हुए बिना विपरीत परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करने के उद्देश्य से तुरंत दिल्ली वापस आ गए और जेल से पिता का आशीर्वाद लेकर जेपी आंदोलन में कूद पड़े। फिर 1977 में नवगठित जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ओजस्वी सदस्य रहे और जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। दिल्ली में अप्रैल 1980 में दिल्ली प्रदेश जनता पार्टी के महासचिव और 1986 से प्रदेश अध्यक्ष बने। जनता पार्टी का जनता दल में विलय होने पर मई 1989 से 1996 तक दिल्ली प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष और जनता दल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। फिर आज ही के दिन 31 मई 1996 को उन्होंने सिद्धांतपूर्ण राजनीति में अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से घोषित करते हुए जनता दल द्वारा कांग्रेस के अनैतिक समर्थन से सरकार बनाने के विरोध में जनता दल से त्याग पत्र दे दिया। सत्ता पक्ष कोई विरले ही छोड़ता है। दिल्ली प्रदेश जनता दल से सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ 26 जून 1996 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली। भाजपा की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। विरेश जी दिल्ली की जनता के दुख दर्द के प्रखर प्रवक्ता थे। दिल्ली के जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर उनकी बात ध्यान से सुनी जाती थी। उन्हें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समादर प्राप्त हुआ। दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल 1994 के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित सर्वदलीय समिति के सदस्य भी रहे। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा। 1963 और 1972 में पुनः 1984 और 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य निर्वाचित हुए। 1964 से 1970 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के
निर्वाचित सदस्य रहे, उन्हीं का बनाया हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय कैलेंडर का ड्राफ्ट आज तक सुचारू रूप से जारी है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक्ट के ड्राफ्ट में भी उन्हीं की अहम भूमिका थी, जिस पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इस विश्वविद्यालय के नियम अधिनियम भी उन्हीं के तैयार किए हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1918 में स्थापित आर्यनाथालय आज उज्जवल भविष्य की संभावनाओं सहित शताब्दी की ओर अग्रसर है। इसे उत्कर्ष की वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय स्वर्गीय देशराज चौधरी और उनके सहयोगियों के बाद वीरेश जी की एक निष्ठ साधना को जाता है। इसके दो परिसरों में 1500 से अधिक अनाथ व अनाश्रित बालक बालिकाओं को निवास, शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। असहाय बालकों को प्रतिभा के विकास का अनुकूल अवसर देने वाला ये देश में अपने प्रकार का अद्वितीय केंद्र है। ऐतिहासिक पटौदी हाउस और देशराज परिसर में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सक्रिय आर्य संस्था कुल अर्थात आर्यनाथालय, आर्य बाल गृह, आर्य कन्या सदन, रानी दत्ता आर्य विद्यालय, चंद्रवती चौधरी स्मारक ट्रस्ट, चंद्र आर्य विद्या मंदिर, छात्रावास, चंद्र आश्रय गृह, कृष्णदत्त स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राकृतिक चिकित्सा चंद्र महाविद्यालय के तेजस्वी कर्णधार के रूप में वीरेश जी द्वारा निभाई गई भूमिका उनके व्यक्तित्व का कदाचित सबसे उज्ज्वल पक्ष है। इस क्रम में उन्होंने अनेक पदों को सुशोभित किया। पदों से उनका मान नहीं होता था, बल्कि उनसे पदों की शोभा होती थी। वीरेश जी ने अपने माता पिता श्रीमती चंद्रवती व श्री देशराज चौधरी की अनुकरणीय जीवन गाथा को चौधरी दंपति के नाम से पुस्तकीय आकार देकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से पिता के जन्मदिन 16 सितंबर 1984 को विमोचन कराया। अपने पिता की पुण्य स्मृति को यथोचित सम्मान देते हुए लगातार 25 वर्ष तक वार्षिक देशराज चौधरी व्याख्यान माला का आयोजन किया। इस श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में देश के समक्ष उपस्थित ज्वलंत समस्याओं तथा सामयिक विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य विद्वानों और नेताओं को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते रहे। भवन निर्माण में उनकी विशेष रुचि रही। 1983 में पिता की मृत्योपरांत बच्चों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पटौदी हाउस और देशराज परिसर में अनेक भवनों और आवासीय खंडों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। दानवीर दंपति स्वर्गीय कृष्णदत्त और श्रीमती रानी दत्ता के आशीर्वाद से जहां देशराज परिसर में कृष्णदत्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया, वहीं पटौदी हाउस में रानी दत्ता आर्य विद्यालय की स्थापना की। साहित्य संवर्धन में भी वीरेश जी ने कोई कमी नहीं रखी। आदरणीय कंवरलाल गुप्ता जी और ताराचंद खंडेलवाल सरीखे अग्रजों के प्रयासों और कृतित्व को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली नागरिक परिषद और सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट के सहयोग से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन चेतना के स्वर का विशाल और भव्य आयोजन करते रहे। यह संतोषप्रद है कि उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस परंपरा को जारी रखा है। इसी प्रकार अनेक अन्य सामाजिक संगठनों से भी उनका घनिष्ठ संबंध था। उदाहरणार्थ अध्यक्ष नागरिक परिषद दिल्ली, मैनेजिंग ट्रस्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक ट्रस्ट, ट्रस्टी विश्व युवक केंद्र, सदस्य इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उपाध्यक्ष दिल्ली नशाबंदी समिति, उपाध्यक्ष दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, सदस्य केंद्रीय चयन समिति भारत सरकार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1999-2000 हेतु, सचिव कार्य समिति एवं संगठन समिति एफ्रो एशियाई खेल 2001, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL के सदस्य, मैनेजिंग ट्रस्टी साउथ एशिया पार्टनरशिप इंडिया ट्रस्ट जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश व बिहार में 100 गांवों को गरीबी रेखा से उबारने और महिला सशक्तिकरण के लिए 200 स्वयंसेवी समूहों के संगठन का बीड़ा उठाया। आर्य सभागार का वर्तमान स्वरूप उन्हीं के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। इन तमाम पदों का निर्वाह करते हुए अनेक सम्मान भी अर्जित किए। महामहिम राष्ट्रपति KR नारायणन ने वर्ष 2002 में
सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया। 2008 में मॉरिशस में आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में मॉरिशस के राष्ट्रपति ने श्री वीरेश जी के समाज सेवा के कार्यों को सराहा और सम्मानित किया। अगले वर्ष हॉलैंड के अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में भी वहां के प्रधानमंत्री ने इसी प्रकार उन्हें सम्मानित किया। 2009 में दिल्ली रत्न, 2010 में अग्र रत्न, 2011 में निष्काम सेवी सम्मान, 2012 में आर्य रत्न, 2013 में वैश्य भूषण से विभूषित किया गया। इतने सम्मान उनकी अनवरत तपस्या, त्याग, तेजस्वी व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्तृत्व और अथक परिश्रम के प्रतीक हैं। प्रातः 4 बजे से मध्य रात्रि तक अनवरत कार्यरत रहने की दिनचर्या, जहां व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों की हानि भौतिक सुख समृद्धि और स्वास्थ्य गंवाने का कारण बनी, वहीं कर्मयोगी के जन संबोधन और हर परिचित छोटे बड़े नर नारी का प्यार अर्जित करने का आधार भी है। हाइट्स दैट ग्रेट मेन रीच्ड एंड कैप्ट वर नॉट अटेन्ड इन अ सडन फ्लाइट, दे while their companions slept were toiling upward in the night. विरेश जी जीवन की सीमाओं से अवगत थे। जिन संस्थाओं और प्रवृत्तियों का संचालन कर रहे थे उनका कार्य आगे भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का यथाशक्ति निर्माण कर गए। यदि ये कहा जाए कि आश्रय संस्था कुल के माध्यम से वो स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी की परंपरा में प्रशिक्षित रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक विशाल वर्ग छोड़ गए हैं, तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही कारण है कि आज नितिन जय चौधरी और डॉक्टर संगीता चौधरी इतनी कुशलता और सहजता से उनके आदर्शों पर चलकर उनके कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए सभी संस्थाओं के सफल संचालन की क्षमता जुटा पाए हैं। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने तो आगंतुक पत्रिका में यहां तक लिखा था कि दीनहीन, असहाय और वंचित वर्गों की सेवा में देशराज चौधरी और वीरेश प्रताप द्वारा सीमित संसाधनों में बिना सरकारी मदद के किया गया कार्य मदर टेरेसा की सेवाओं की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चेतना के अंतिम क्षण तक सक्रिय रहकर एक उज्जवल नक्षत्र अंततोगत्वा 5 सितंबर 2013 की मध्यरात्रि से 1 घंटा पूर्व भौतिक यात्रा पूर्ण करके सांसारिक दृष्टि से ओझल असीमित ब्रह्म की पारलौकिक यात्रा पर प्रस्थानरत हो गया। प्रतिदिन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप के मंत्र का जाप करने वाला अनगिनत मील चलकर आखिर सो ही गया। युवा पीढ़ी को स्काई इज द लिमिट का आह्वान करके स्वयं आकाश की सीमा पार कर गए। श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने कहा था कि वो कुर्सी पकड़े बगैर कुर्सी से बड़े हो गए, और ये सत्य है। बड़ी से बड़ी कुर्सी भी उनके सामने छोटी थी। उनके मित्र डॉक्टर भूरेलाल जी ने कहा, उनका जीवन गीता के संदेश न दैन्यम न पलायनम का उदाहरण है। सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आचार्य बलदेव जी श्रद्धांजलि स्वरूप सहसा कह उठे, मानवता के सेवकों की श्रृंखला में वीरेश जी का नाम अजर और अमर रहेगा। वीरेश जी की स्मृति में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक विशेष शोक सभा में, जिसे फुल कोर्ट रेफरेंस कहा जाता है, न्यायालय के सभी 55 जजों की संयुक्त पीठ के समक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एएस चंडोक ने वीरेश जी की उपलब्धियों और योगदान की विस्तृत प्रशंसात्मक याचिका प्रस्तुत की, तो मुख्य न्यायाधीश ने खड़े होकर उनके कुछ प्रमुख उल्लेखनीय मुकदमों और वैधानिक प्रतिभा का वर्णन करते हुए उनके विचारों को पूरे वकील समुदाय और संपूर्ण समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया, और अमेरिकन कवि एला व्हीलर विलकॉक्स की ये पंक्तियां उद्धृत की, बट टू द टायरलेस टॉयलर टुवर्ड द गोल शैल द ग्रेट मिरेकल्स ऑफ गॉड बी नोन एंड लाइफ रिवील्ड इमॉर्टल एंड डिवाइन। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने वीरेश जी के सम्मान में हाई कोर्ट को शेष दिवस के लिए स्थगित कर दिया। आज इस अवसर पर वीरेश जी के कुछ प्रिय शब्द उन्हीं की वाणी में शायद कुछ और प्रेरणादायक हो सकें, आइए सुनते हैं। मेरा तो ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर कोई साथी ना भी हो तो भी चलना चाहिए, कोई चले चले या ना चले, हम तो चल पड़े,
मंजिल की जिसे जुस्त जू उसे कारवां से क्या। और फिर अगर हम अकेले चलते हैं तो साथी मिलते हैं। मैं तो अकेला ही चला था जानवी मंजिल मगर लोग संग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनेगा, मेरा ऐसा विश्वास है कारवां बन रहा है और लोग जुड़ेंगे। और जो हम एक विनम्र प्रयास यहाँ कर रहे हैं, बड़ा जोश में कर रहे हैं, इस तरह कलाश में कर रहे हैं, उससे और लोग भी समाज के प्रेरणा लेंगे और इस प्रकार की संस्थाएं सारे देश में खुलेंगी, उनका विस्तार होगा, हम इस नई संस्कृति बना पाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों